इंडिया आज तक आपकी आवाज। मैं हूँ सिद्रा और आप देख रहे हैं इंडिया आज तक लाइव टीवी। तो चले हम कराते हैं आपको दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू। विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया मुरैना, मेजर राम कुमार शर्मा परमार्थ न्यास में सभी ने ली तंबाकू निषेध चेतना की शपथ। छोटे सीन को मिला निशुल्क दांतों का सेट। 31 मई 2020 को मेजर राम कुमार शर्मा परमार्थ न्यास में 73 मरीज और 11 सेवक हुए उपस्थित। प्रति रविवार परमार्थ न्यास में होता है सत्संग, जिसके साथ होता है निशुल्क उपचार। न जाने किस रूप में नारायण मिल जाए, इस भाव को रखकर सेवा करते हैं परमार्थ न्यास में सभी सेवा। कोरोना वायरस जैसी महामारी को मद्देनजर रखते हुए स्कैनिंग एवं सैनिटाइज सहित सभी नियम कानूनों को फॉलो करते हुए होती है सेवा। मेजर राम कुमार शर्मा परमार्थ न्यास के संचालक तथा तंबाकू नियंत्रण नोडल ऑफिसर डॉक्टर संजय शर्मा जी की सराहनीय पहल से प्रति रविवार श्री सीताराम जी की पूजा पाठ व श्री रामचरित मानस के पाठ सहित होते हैं। अन्य धार्मिक सत्संग प्रवचन, यह सत्संग प्रति रविवार डॉक्टर संजय शर्मा जी के निज निवास पर भोज भवन के सामने जिला मुरैना में प्रति रविवार सत्संग पूजन भजन के साथ होती है मरीजों की सेवा। रविवार के दिन जिला चिकित्सालय छुट्टी होने के कारण डॉक्टर संजय शर्मा जी निज निवास पर देते हैं अपनी सेवाएं निःशुल्क। उनके साथ सभी सेवकों का भी रहता है सराहनीय योगदान। मुरैना से पवन कुमार शर्मा की रिपोर्ट। आपका सब नाम क्या है? मैं डॉक्टर संजय शर्मा हूँ। शासकीय हैं आप? जी, शासकीय जिला चिकित्सालय पदस्थ। ये जो प्रत रविवार को जो आप एक प्रोग्राम रखते हैं, इसमें धार्मिक प्रोग्राम रखते हैं और मरीजों की सेवाएं करते हैं, तो ये किस हिसाब से, मतलब वो कितने समय से किस प्रकार से दी जा रही हैं? जी, ये मेरे पिता स्वर्गीय मेजर राम कुमार शर्मा की स्मृति में आज से 10 वर्ष पहले सन 2010 में मई के महीने में प्रारंभ हुआ था और तब से निरंतर प्रत्येक रविवार ये सेवा चलती है। इसमें भाव यही है कि लोग ईश्वर से जुड़े और फिर ईश्वर रूप में मरीजों की सेवा से जुड़े। हमारे बहुत से मरीज ऐसे हैं जो पैसे की तंगी के कारण अपने उपचार से वंचित रह जाते हैं। ऐसे सभी मरीजों को यहाँ दवाइयाँ, उपचार और परामर्श सभी कुछ निःशुल्क मिलता है। सभी तरह की जांचें भी होती हैं यहाँ पर, वो सब कुछ निःशुल्क होता है। साथ ही आप सभी जानते हैं कि रविवार को जिला चिकित्सालय सहित प्राइवेट नर्सिंग होम बंद रहते हैं, तो वो भी एक भाव है कि रविवार को वो सभी सेवा सुलभ हो जाए और लोग सेवा से वंचित ना रहें। तो ऐसे हम लोग यहाँ पर 40 समाज सेवी हैं, जिसमें छोटे 12 साल से बच्चे से लेकर और 80 वर्ष के वृद्ध तक शामिल हैं। वे सब मिलकर इस सेवा को पूर्ण भाव प्रदान करते हैं। किस तरीके से इसको शुरू किया जाता है? क्या यहाँ पर कोई धार्मिक ग्रंथ का भी वाचन किया जाता है? कैसे रहता है? जी, इसमें पहला भाव यही है कि इस सेवा को कराने वाले हम लोग नहीं हैं, हम सब लोग सेवक हैं और जो इस सेवा को करा रहा है वो समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी हैं, जिनकी कृपा से, जिनके निर्देशन में ही ये कार्य हो रहा है। तो सबसे पहले उसकी सेवा जरूरी है, उसकी स्तुति जरूरी है। तो ऐसा सुबह 9 बजे भगवान की स्तुति, पूजा, आरती और साथ में रामचरितमानस और विनय पत्रिका, भक्तमाल जी की कथा का वाचन और उसके बाद में प्रसाद वितरण होने के बाद में फिर मरीज स्वरूप में भगवान की सेवा प्रारंभ। इंडिया आज तक टीवी लाइव खबरों के साथ बने रहें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें।